आज हम लोग हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्वसन तंत्र, उसके बारे में देखेंगे। श्वसन तंत्र होता है जो कि सांस लेने की प्रक्रिया को, श्वसन लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को ही श्वसन तंत्र बोला जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा जीव किस अंगों से सांस लेता है और कैसे छोड़ता है। स्तनधारी प्राणी जो भी होता है वो फेफड़ा से सांस लेता है, और जो जिल जब जलीय प्राणी होता है वो गिल से सांस लेता है, जो जल में रहता है जैसे मछली मेढक ये सब गिल से सांस लेता है। और कीट पतंग जो होता है वो श्वास नली से सांस लेता है। मेढक जो होता है मेढक ये त्वचा फेफड़ा से सांस लेता है। त्वचा जब वो जमीन के अंदर में रहता है और पानी के नीचे रहता है उस टाइम में ये त्वचा से सांस लेता है, जब पृथ्वी पे होता है तभी ये फेफड़ा से सांस लेता है। लेकिन टेटफुल जो होता है मेढक का जब ये बचपनावस्था होता है तभी उसको टेटफुल बोला जाता है, और टेटफुल जो होता है वो गिल्स से सांस लेता है। अब हम लोग आगे देखेंगे श्वसन जो क्रिया करते हैं छोड़ने और निकालने की उसको क्या बोलते हैं, श्वक्षोवास, जो कि अंदर लेने की क्रिया जो होता है उसको बोलते हैं निःश्वसन, और बाहर छोड़ने की क्रिया होता है उसको बोलते हैं निःश्वसन। हमारे वायुमंडल में बहुत तरह का गैस पाया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत तरह का हाइड्रोजन, लिथियम, बहुत तरह का गैस पाया जाता है। उनमें से जो हम लोग श्वास नली से जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय में 21% ऑक्सीजन रहता है, इसलिए हम लोग अंदर अपने शरीर के अंदर श्वसन नाल के अंदर 21% ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन 78% अंदर ले जाते हैं। और हम लोग जब बाहर की छोड़ते हैं, जब अंदर ये सब ऑक्सीजन ये सब वायु अंदर ले जाते हैं एक बार, तो अंदर से जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं उस टाइम ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं और नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं। तो हम लोग को डाउट होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे 21% लिए, बाहर छोड़े 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड लिए 0.003% अब बाहर छोड़े 4%। यहाँ पे 4% का हेर फिर क्या हो गया, गड़बड़ी क्या हो गया? तो इसका कारण ये है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर में ऊर्जा जो उत्पन्न करता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें ऑक्सीजन उसमें खपत होता है, उसमें ऑक्सीजन खपत होने की प्रक्रिया में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और ऑक्सीजन खपत होता है, जिसके कारण हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं और ऑक्सीजन कम उसको कम कर लेते हैं। तो इस तरह का हम लोग का श्वसन मार्ग में श्वसन हम लोग क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं इतना इतना मात्रा में, इतना मात्रा में छोड़ते हैं। अब आगे देखेंगे कि श्वसन क्रिया में जो होता है हम लोग किस किस अंगों द्वारा वायु को अंदर ले जाने की अनुमति देते हैं या गुजरते हैं। सबसे पहले हम लोग वायु को नासिका छिद्र से होते हुए अंदर ले जाते हैं। नासिका छिद्र में बहुत सारा बाल पाए जाते हैं, वो क्या काम करता है, वो वायुमंडल का धुलकन को रोकता है। अगर हम लोग वायुमंडल में इतना सारा धुलकन है उसको नहीं रोकेगा तो हम लोग जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे। तो उस नासा छिद्र में होता है बाल सब, वो बाल हम लोग का धुलकन को रोकता है और फिर अंदर ले जाता है नासिका कपाट में। नासिका कपाट कार्य करता है कि नासिका कपाट यहाँ पे होता है, एक बार इसको जोर से पीटेंगे तो यहाँ पे बहुत जोर से चोट लगता है, ब्लड आने की संभावना होती है। वहाँ पे देखा होगा बहुत रेड कलर का कुछ होता है, जब उसको बोलते हैं म्यूकस, वो म्यूकस क्या करता है धूलकण को वहाँ पे जमा के रख लेता है। जैसे अभी सांस लिए धूलकण अंदर गया, वो धूलकण जो नासिका छिद्र में बाल नहीं रोक पाया वो म्यूकस में जाके चिपक जाता है, और वही हम लोग सुबह जो है उसको खगोड़ के निकाल देते हैं, खोद के निकाल देते हैं, उसको नकटी या गंदगी बोलते हैं। जब यहाँ से निकलता है, जब यहाँ से वायु अंदर की ओर जाता है तभी यहाँ पे ग्रासनी होते हुए स्वर्ण तंत्र होते हुए ट्रेकिया में आता है, ट्रेकिया थोड़ा ये मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ा मेढ़ा होने का रीजन ये है, ट्रेकिया अगर सीधा रहेगा तो वो जैसे सांस लेंगे वो ट्रेकिया फूल जाएगा, सांस को जैसे छोड़ेंगे ट्रेकिया चिपक जाएगा, तो हम लोग को सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होगा। एक बार सांस लिए जोर से, ट्रेकिया चिपक गया, अब हम उस बाहर कैसे निकलेगा, तो उस टाइम में आदमी मरने की स्थिति पे आ सकता है, इसलिए भगवान ने उसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया। बाय चांस ये क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो किसी तरह का
कार्टिलनुमा रहेगा तो ये चिपकेगा नहीं। ट्रेकिया जब जहां से ये दो भागों में विभक्त होता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई किसको बोलते हैं? जब ट्रेकिया से दो भाग में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये ब्रोंकाई अंदर जाके फेफड़ा में इसका नाल खुलता है। फेफड़ा के अंदर फिर ये अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। जो अलग अलग भागों में डिवाइड होता है उसको ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं। इस भाग को ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं और ट्रेकिया के ये दोनों भाग को ब्रोंकाई बोलते हैं, याद रखिएगा। ब्रोंक्यूलेस के ये फूल नुमा जो बना है इसको वायु कोष्ठक बोलते हैं। वायु यहीं पे निकलता है और यहीं से फिर बाहर ले जाता है, निकालता भी है बाहर छोड़ता भी है, इसी माध्यम से ये होता है। अब हम लोग देखेंगे कि श्वसन नाल ये जो हुआ, अब फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा इसके पास अपना बल नहीं होता है, तो ये किसके बल पे वायु को अंदर लाता है और बाहर छोड़ता है। सांस लेने की प्रक्रिया में हम लोग हवा को अंदर तो ले जाते हैं, फेफड़ा के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन जब हवा को बाहर छोड़ते हैं उस टाइम हम लोग को डायफ्राम काम करता है। ये डायफ्राम जो है ये जस्ट हम लोग का फेफड़ा के नीचे होता है, जब हवा लेते हैं तो तभी ये जो फेफड़ा है फूल जाता है। इसके बाद डायफ्राम जो होता है, ये डायफ्राम जब हवा छोड़ते हैं उस टाइम डायफ्राम इसको धकेलता है ऊपर की ओर और ये हवा बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं थोड़ा बाय चांस डायफ्राम काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। अगर डायफ्राम काम करना बंद कर दे तब तो हम लोग मरने की स्थिति पे आ जाएंगे, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है या किसी तरह का दुर्घटना होती है, सड़क हादसा होता है, उस टाइम में देखे होंगे कि उसका शरीर का कुछ भी अंग नहीं फूटता है लेकिन वो अचानक डेड कर जाता है। रीजन ये है कि उसका डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। ये जब काम करना बंद किया तो राम नाम सत्य हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है ये डायफ्राम बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ये कभी कभी गुस्सा आ गया ना तो ये फिर कामों करना छोड़ देता है। अगर ये बोल देगा हम काम नहीं करेंगे तो ये फेफड़ा का हिम्मत नहीं है कि हवा को बाहर निकाल दे, तो डायफ्राम का काम ये। तो कभी कभी ये होता है कि गर्भवती महिला में उसका पेट तो बड़ा होता है, तो जब पेट बड़ा होगा तो डायफ्राम के ऊपर तो पेट की हिस्सा आ जाता है, तो डायफ्राम काम कैसे करेगा? तो गर्भवती महिला में उनकी पसलिया काम करता है। ये दोनों तरफ पसली होता है, वो ऑक्सीजन ये फेफड़ा को फुलाने और सिकोड़ने में काम करता है गर्भवती महिला सबको। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखेंगे कि हमारे शरीर में जो ये दो अंग अभी बताए कि ग्रासनी बोला जाता है, हमारे शरीर का ये दो जो भाग है, एक मुख मार्ग जो है जहाँ से हम लोग भोजन करते हैं और एक श्वास मार्ग है, दोनों जहाँ पे जाके मिलता है, ये जो कि मुख श्वसन मार्ग ये मुख मार्ग ये जहाँ पे मिलता है इसको बोलते हैं ग्रासनी। यहाँ पे एक मसल्स होता है, उस मसल्स का नाम है इपिग्लोटिक्स। इस मसल का नाम है इपिग्लोटिक्स। इसका काम ये है कि जब वायु अंदर रहेगा तो आहार नाल को बंद कर देना और जब आहार नाल अंदर आएगा तो वायु को बंद कर देना, वायु नाल को बंद कर देना। अब इपिग्लोटिक्स काम कैसे करता है? ये तांत्रिका तंत्र के माध्यम से काम करता है। अगर हम लोगों का दिमाग कहीं दूसरे जगह खोया पड़ेगा, किसी अलग दूसरे के चक्कर में फंसा हुआ रहेगा और इधर से भोजन डाल देगा तो इपिग्लोटिस बोलेगा ये भोजन आ रहा है कि हवा आ रहा है जल्दी बोलो, तो वो क्या होगा नहीं बता पाएगा तो ये किधर चल जाएगा? चल जाएगा ये फेफड़ा की ओर। और जब ये फेफड़ा की ओर आएगा तो फेफड़ा यहाँ से नीचे से टुकुर टुकुर देखते, अरे अरे फेफड़ा इधर इधर का आ गया, भोजन आया, ये डायफ्राम को बोलेगा अरे जल्दी धक्का मारो, ये जोर से धक्का मारेगा ऊपर की ओर और सारा भोजन और पानी नाक और मुंह द्वारा खखार के निकल जाएगा। तो बोलता है कि सारा गया बचवा, ये बोलता कि दूसरे को याद करता है लेकिन वो खुद ही दूसरे को याद के चक्कर में खोया रहता है, जिसके कारण इस तरह का होता है। और जब ये हिचकी कैसे होती है, जब ये इपिग्लोटिस के ये श्वसन नाल में कोई आहार नाल का अंश कुछ फंसा हुआ रहता है तो बार बार ये जो फेफड़ा है अंदर की ओर देखता है कि ये तो आहार नाल का है, ये तो भोजन आ रहा है जल्दी मारो धक्का, ये धक्का मारने की पीरियड में बार बार जो धक्का मारता है उसको हिचकी बोलते हैं। और आज हम इतना ही जानेंगे, अगले दिन अगला चैप्टर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।